good morning students welcome to online class so i hope all are well with your family so stay home stay healthy be safe so today we discussed about that uh, applications of first law of uh, motion in everyday life okay and then uh, what is um, inertia what is mass and um, what is momentum what is the sa unit of momentum and uh, some numericals are uh, depending on momentum these are the uh, topics which we clear today okay a person standing in a bus falls backward when bus starts moving suddenly जैसे एक बस रेस्ट में है और पर्सन उस बस बस के ऊपर खड़ा हुआ है मतलब बस में खड़ा है वो जैसे ही बस मूव होगा सो ही फॉल्स बैकवर्ड ये पीछे की ओर गिरेगा ऐसे पीछे की ओर क्यों बिकॉज ये बस है ना जब मूविंग में नहीं था वो भी रेस्ट में था जैसे बस मूविंग में होने लग गया उसका लेग्स है बस बस में कांटेक्ट में है तो लेग भी मूव होने लग गया तो लेग मूव होने लग गया तो वो बाकी का जो पार्ट ऑफ द बॉडी है ना तो वो रेस्ट में रहता है तो वो सडनली बैकवर्ड फॉल होता है फिर ओके okay? सेकंड uh, है देखना ए पर्सन स्टैंडिंग इन ए मूविंग बस फॉल्स फॉरवर्ड इफ ड्राइवर अप्लाइज ब्रेक सडनली आ uh, देखो बस भी मूविंग में है और उसमें जो पर्सन खड़ा है वो भी मूविंग में इट मीन्स सो सडनली ड्राइवर अप्लाई करता है ब्रेक्स uh, सो so, वो फॉल्स होगा फॉरवर्ड की तरफ क्यों होगा फॉरवर्ड की तरफ क्योंकि uh, जब मूविंग बस में है वो भी मूव हो रहा है और सडनली ब्रेक अप्लाई होता है तो इसमें क्या होगा स्पीड uh, क्या होगा डिक्रीज होगा या रेस्ट में आ जाएगा जैसे स्पीड डिक्रीज uh, होगा उनके लेग जो कांटेक्ट में रहता है बस में वो क्या होगा वो रेस्ट वो रेस्ट में रहेगा और उसके बॉडी पोर्शन है वो मूविंग में रहेगा फिर सो so, इसीलिए वो ही फॉल्स फॉरवर्ड ओके दिस इज अबाउट दैट न्यूटन्स लॉ व्हिच इज अप्लीकेबल इन अवर डेली लाइफ ओके और एक है नेक्स्ट जब देखेंगे और एक एग्जाम्पल देखो न्यूटन का वेन अ पाइल ऑफ कॉइन ऑन द कैरम बोर्ड इज हिट कॉइन ओनली एट द बॉटम मूव अवे लिविंग रेस्ट ऑफ द पाइल ऑफ कॉइन एट द सेम प्लेस दिस बिकॉज़ द पाइल इज स्ट्रक स्ट्राइकर द कॉइन एट द बॉटम बिकम्स इन मोशन वेल रेस्ट ऑफ द कॉइन इज द पाइल हैज द टेंडेंसी टू रिमेन इन द रेस्ट एंड द वर्टिकली फॉल्स द कैरम बोर्ड एंड रिमेन एट द सेम प्लेस ओके सो इसमें बता रहे आपने कैरम बोर्ड खेले होंगे सबने सो so, आपने uh, एक वर्टिकल लाइन में से सब कॉइंस को सेट uh, करते हुए जाना सो so, आप स्ट्राइकर लेना स्ट्राइकर से so, सबसे बॉटम में रहता है सबसे नीचे रहता है जो उसको आप कॉइन uh, को बाय द हेल्प ऑफ द स्ट्राइकर हिट करेंगे तो क्या होगा क्या ऑब्जर्व करोगे सो आप ऑब्जर्व करोगे कि जैसे हिट करेंगे बॉटम वाला है ना सो बॉटम वाला uh, वो कॉइन नीचे मतलब आगे उसका डिस्प्लेस हो जाएगा बाकी का जो सारे कॉइन्स क्या होगा सेट वहीं पे ही जहां पर वर्टिकल लाइन में है वहीं पे आके सेट रहेगा फिर मतलब वो जो रेस्ट में है जो रेस्ट में ही रहेगा बाकी का जो जिसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया वो क्या हो गया चेंज हो गया उसका सो दैट इज दट फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का फिर ओके मास एंड इनर्शिया प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिकॉज का दो डेफिनेशन है, है देखो द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट दट रेजिस्ट द चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इनर्शिया सो इसका मतलब है कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अपोज करता है चाहे किस अगर वो मोशन में है तो वो मोशन को ही रहने पसंद करता है या रेस्ट में है तो वो रेस्ट रहने पसंद करता है वो रेजिस्ट यानी अपोज कर रहे अगर मोशन में हो रहा है तो कोई दूसरा अटैच होता है तो तो वो आ, उसी पोजीशन में रहना चाह रहा है या रेस्ट में है तो उसी पोजीशन में ही रहना चाहिए रेजिस्ट कर रहा है दिस इज कॉल्ड आज ई इनर्शिया सो एनर्शिया और मास का रिलेशनशिप पूछेंगे तो क्या बोलोगे दट रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल ओके सो इट इज इनर्शिया इज मेजर्ड बाई इट्स मास इनर्शिया किससे मेजर करते हैं बाई इट्स मास और ये डायरेक्टली प्रपोर्शनल है इनर्शिया मास से इट मीन्स डायरेक्टली प्रपोर्शनल का मतलब है इनर्शिया इंक्रीज होगा तो मास भी इंक्रीज रहेगा फिर अगर इनर्शिया डिक्रीज होगा तो मास भी डिक्रीज होगा इसलिए हैवी ऑब्जेक्ट विल हैव मोर इनर्शिया देन द लाइटर वन एक हैवी ऑब्जेक्ट है ना सो so कंपेरेबल कर रहे हैं तो लाइटर वन को सो so एनर्जिया किसमें ज़्यादा है पूछेंगे तो एक हैवी ऑब्जेक्ट में ओके सो इसीलिए सिंस ए हेवी ऑब्जेक्ट हैज मोर इनर्शिया दैट्स इट इज डिफिकल्ट टू पुश और पुल ए हेवी बॉक्स ओवर द ग्राउंड देन द लाइटर वन तो इसीलिए हमें कोई भी एक हीवी बॉक्स है उसको हम पुश करना चाह रहे हैं या पुल करना चाह रहे हैं जो ग्राउंड में अटैच है जो वो डिफिकल्ट uh, लगता है क्योंकि उसके अंदर इनर्शिया ज़्यादा है इनर्शिया ज़्यादा है इट मीन्स मास ज़्यादा है फिर ओके okay? This is about that uh, mass and mass and inertia uh, Now we discussed about that momentum Momentum is the power of uh, motion of an object. Okay, so definition pushing okay. The product of velocity and mass is called as a momentum Okay, the product of mass and velocity is called as a momentum momentum is denoted by small p ओके स्मॉल पी लेटर में डिनोट करते हैं हम मोमेंटम को देर फोर मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी इसीलिए फॉर्मूला क्या बन गया मोमेंटम का मास इनटू वेलोसिटी सो हम मोमेंटम किससे डिनोट करते हैं स्मॉल पी लेटर से डिनोट करते हैं दैट इज स्मॉल पी इज इक्वल टू स्मॉल एम इनटू स्मॉल वी यानी स्मॉल एम यानी मास स्मॉल वी यानी वेलोसिटी ओके वेयर पी इज मोमेंटम एम इज मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड वी इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट दिस इज मोमेंटम अब ऐसे यूनिट ऑफ मोमेंटम देखेंगे देखो यूनिट ऑफ मोमेंटम सो ऐसे यूनिट ऑफ मास क्या हैं जो आपने एथ चैप्टर में पढ़ाया था मैंने दैट इज मोशन चैप्टर में मास का ऐसा यूनिट है के जी ओके वेलासिटी का ऐसे यूनिट क्या है मीटर पर सेकेंड सो वी नो दैट मोमेंटम मोमेंटम का डेफिनेशन क्या है दैट मतलब फॉर्मूला क्या है दैट इज पी इज इक्वल टू एम इन टू वी सो आप देखना एम का ऐसे यूनिट मास का के जी है वेलासिटी oh, का मीटर पर सेकेंड है सो so, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया मोमेंटम इज ऐसे यूनिट ऑफ मोमेंटम इज के जी मीटर पर सेकेंड याद रखना है वन मार्क क्वेश्चन है व्हाट इज यूनिट ऑफ मोमेंटम पूछेंगे तो के जी मीटर पर सेकेंड डेफिनेशन पूछेंगे तो द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड एज ए मोमेंटम ओके अब देखेंगे मोमेंटम के और भी समझने के लिए कुछ एग्जांपल के थ्रू समझेंगे ओके फर्स्ट पॉइंट देखना सिंस मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट दिस मीन्स मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड वेलोसिटी मोमेंटम इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग इफ इधर मास और वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओके सो ये इसका मतलब है डेफिनेशन प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी है सो इसका मतलब मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास एंड वेलोसिटी सो अगर मोमेंटम इंक्रीज होगा तो या तो मास इंक्रीज होगा या तो वेलोसिटी इंक्रीज होगा फिर ओके दिस मीन्स इफ ए लाइटर एंड अ हैवियर ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द सेम द देन हेवियर ऑब्जेक्ट विल हैव मोर मोमेंटम देन द लाइटर वन इसका मतलब है देखो अगर एक लाइटर ऑब्जेक्ट है वो भी मूव हो रहा है और हेवियर ऑब्जेक्ट है दोनों भी मूविंग uh, में कंडीशंस में है द सेम वेलोसिटी दोनों का भी वेलोसिटी सेम है फिर ओके सो देन वियर ऑब्जेक्ट विल हैव मोर मोमेंटम हैवियर ऑब्जेक्ट क्या होगा ज्यादा मोमेंटम होगा सो देन द लाइटर वन लाइटर वन से भी मोमेंटम किसमें ज्यादा होगा पूछेंगे तो हैवियर ऑब्जेक्ट में क्योंकि उसका मास ज्यादा है मास ज्यादा है तो मोमेंटम भी ज्यादा होगा सो so मास ज्यादा होगा तब तो इनर्शिया भी ज्यादा होगा फिर ओके okay, सारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं सेकेंड एग्जाम्पल देखना इफ ए स्मॉल ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद ए ग्रेट वेलोसिटी इट हैज ए ट्रेमेंडस मोमेंटम एंड बिकॉज ऑफ मोमेंटम इट कैन हार्मजेक्ट मोर सीली फॉर एग्जाम्पल ए स्मॉल बुलेट है लिटल मासन वेन इट इज फायर्ड फ्रॉम ए गन देखो एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है लेकिन उसका ग्रेट वेलासिटी यानी वेलॉसिटी बहुत ज्यादा है छोटा सा भी हो सकता है लेकिन वेलासिटी ज्यादा हो तो लेकिन उसमें क्या होगा वेलोसिटी ज़्यादा होगा तो क्या होगा मोमेंटम भी ज़्यादा होगा यानी ट्रेमेंडस बहुत ज़्यादा होगा सो so, क्यों बताया था ना भी जस्ट मोमेंटम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दट वेलोसिटी ओके ये हार्म कर सकता है बहुत ज़्यादा सीवियरली सिर्फ फॉर एग्जाम्पल एक बुलेट है गन ने छोटा रहता है बुलेट उससे भी छोटा होता है सो so, उस छोटा सा है लेकिन उसका वेलोसिटी ज़्यादा होगा तो आ, उसका मोमेंटम भी ज़्यादा होगा तो वो एक पर्सन को इजीली किल कर सकता है फिर ओके सो so, जैसे फॉर एग्जांपल एक स्टोन लेके आप मारेंगे किसी पर्सन को और एक रबर बॉल से मारेंगे तो सबसे ज़्यादा चोट किस में लगता है एक स्टोन से क्योंकि उसमें क्या होगा मास Yeah, ज़्यादा भी होगा और वेलोसिटी भी ज़्यादा होगा जो वेलोसिटी ज़्यादा होगा मास भी ज़्यादा होगा तो इट मींस मोमेंटम भी ज़्यादा होगा फिर ओके नेक्स्ट लास्ट पॉइंट दिया है यूजुअली रोड एक्सीडेंट्स थ्रू मोर फैटल बिकॉज ऑफ हाई स्पीड देन इन स्लोअर स्पीड दिस हैपन बिकॉज व्हीकल्स रनिंग विद हाई स्पीड हैव ग्रेटर मोमेंटम कंपेयर टू द व्हीकल रनिंग विथ स्लोअर स्पीड एक तो एक्सीडेंट्स भी ऐसे होते हैं जब कोई भी व्हीकल से किसी व्हीकल में आ रहा है जो स्पीड में आ रहा है और एक स्लो आ रहा है अगर स्लो वाले के टक्कर रखा जाएंगे तो हमें इतना इंजरी नहीं होता है क्योंकि उसमें क्या है वेलोसिटी कम था वेलोसिटी कम होगा तो मोमेंटम भी कम होगा सो वही एक बहुत स्पीड से आ रहा है व्हीकल में तो वो टकरा जाएगा एक्सीडेंट हो जाएगा उसका तो उसको बहुत ज्यादा इंजरी होगा क्यों बिकॉज वेलोसिटी ज्यादा वेलोसिटी ज़्यादा होगा तो मोमेंटम भी ज्यादा होगा फिर ओके दिस इज अबाउट दैट मोमेंटम मास एंड वेलोसिटी देखना अभी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से बेस्ड ऑन मोमेंटम सिर्फ मोमेंटम के ऊपर ही न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से सो फर्स्ट एग्जांपल देखना व्हाट विल बी द मोमेंटम ऑफ ए स्टोन हैविंग मास 10 केजी

टू मीटर पर सेकेंड दिया है और मोमेंटम फाइंड आउट करना है यानी पी फाइंड आउट करना है क्वेश्चन मार्क दिया है उसको क्वेश्चन मार्क लगा देना सो so, मोमेंटम का फॉर्मूला आपको पता है मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलासिटी दैट इज पी इज इक्वल टू एम इंटू वी सो पी लिख के दैट इज इज इक्वल टू मास टेन दिया है और वेलासिटी टू दिया है टोटली totally कितना हो गया ट्वेंटी सो so, आपको ऐसे यूनिट नहीं नहीं लिखेंगे तो हाफ मार्क डिडक्ट हो सकता है पूरा ऐसे यूनिट भी लिखना है So 20 km kilogram meter per second. Okay. Any 20 kg meter per second total the momentum. The mass of a goods lorry is 4000 kg and the mass of goods loads on it is 20,000 kg. If the lorry is moving with a velocity of 2 meter per second, what will be the momentum? सो इसमें मोमेंटम पूछ रहे हैं लॉरी मीन्स ट्रक है एक ट्रक का है उसका मास कितना है ट्रक का फोर थाउजेंड के जी है और उसके अंदर गुड्स है जो उसका कितना है मास ट्वेंटी थाउजेंड के जी है सो so, टोटल मास कितना होगा क्योंकि ट्रक के अंदर ही गुड्स फिल किया जाता है जो फिर दोनों का भी मास टोटल कितना हो गया फोर थाउजेंड प्लस ट्वेंटी थाउजेंड दैट्स इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर थाउजेंड ओके मोमेंटम फाइंड आउट करना है सेम so है फॉर्मूला मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलासिटी सो मास कितना है ट्वेंटी फोर थाउजेंड टोटल मास इंटू वेलासिटी कितना है टू मीटर पर सेकेंड और टोटल मोमेंटम कितना हो गया फोर्टी एट थाउजेंड के जी मीटर पर सेकेंड ओके दिस इज दट अनदर एग्जाम्पल ऑफ मोमेंटम अब देखेंगे एग्जाम्पल नंबर थ्री ए कार हैविंग मास ऑफ

पॉइंट फाइव मीटर पर सेकेंड टोटल कितना हो गया फाइव हंड्रेड के जी मीटर पर सेकेंड ओके दिस इज दट ऑल द न्यूमेरिकल्स बेस्ड दट इज ऑन मोमेंटम टॉपिक ओके सो आपको अभी तक जितना भी हमने लेसन पढ़ाया है उसका नोट्स से बनाना है क्वेश्चन आंसर्स लिखना है रेगुलरली ताकि ये इंटरनल नंबर्स है फिर जैसे स्कूल ओपन होगा सो ये सारा चेक होगा फिर ये इंटरनल नंबर्स दिया जाएगा आपको ओके सो आप कॉपी करते रहना सारे नोट्स और क्वेश्चन आंसर्स लिखना है आपको सेल्फ ओके